हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डीके शर्मा जूलॉजी का टीचर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सब क्लास यूथिरिया। मैमेलिया क्लास का जो सब क्लास यूथिरिया था, जिसमें हम लोग आते हैं, एडवांस मैमल्स आते हैं, प्लेसेंटल ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स आते हैं, उसके आर्डर के विषय में मैं बात कर रहा था। 16 आर्डर में डिवाइड किया गया है क्योंकि उसमें क्वेश्चन पूछता है, तो 16 आर्डर में लिखा दें कुछ इंपॉर्टेंट है उसमें से 8-10 जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उसी 8-10 को मैं बता दूंगा। लिखा है तो चलो बता दूंगा, लेकिन आपको उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो उसी को बता दूंगा, ठीक है ना। तो मैं कल आपको 2 साल बताया था, फिर मेरा जो है वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम बैटरी में गई थी, इसलिए मैंने कहा अब लेगो मार्क बात कल पढ़ाएंगे। तो मैंने पहला आर्डर आपको बताया था आर्डर रोडेंटिया। रोडेंटिया मतलब कुतर कुतर के खाने वाले। रोडेंटिया आर्डर जो होता है उसमें क्या आते हैं, कुतर कुतर के खाने वाले, जैसे चूहा आपका है, तो यही आर्डर रोडेंटिया में आता है। पहला आर्डर मैंने बताया था, ये देखिए आर्डर रोडेंटिया, कल मैं लिखवाया था आपको। इसमें क्या आते हैं, ग्नाविंग मैमल्स। ग्नाविंग मैमल्स का मतलब होता है कुतर कुतर के खाने वाले। क्या करके खाने वाले, कुतर कुतर के खाने वाले, अर्थात रेटस मस। रेटस मतलब होता है रेट चूहा, मस मतलब माइस होता है, ठीक है ना। गिलहरी भी सीमाती है, जानते रहिएगा। रोडेंटिया एक ई आर्डर आपसे पूछ सकता है, ये आपको मैं टिक लगा दे रहा हूँ, जो आपसे पूछा जा सकता है ये है, ठीक है। रोडेंटिया आर्डर पूछा जा सकता है। अगला आर्डर है लेगो मार्फा, LAGOR इसी पर हमें रोक दिया था, लेगो मार्फा आर्डर। आर्डर कौन है, लेगो मार्फा, ये देखो आर्डर लेगो मार्फा। लेगो मार्फा में क्या होता है, कैनाइन एब्सेंट होते हैं, ये बगल वाला नुकीला दांत, जिप्स टच करिए कि बगल बगल में क्या है, नुकीला दांत होता है, वो कैनाइन एब्सेंट होता है। तो जहाँ पे कैनाइन एब्सेंट हो वहाँ पे जगह होती है, उसको बोलते हैं डायस्टीमा। ये देखो क्वेश्चन पूछता है, नीट में क्वेश्चन पूछा है, डायस्टीमा उसको बोलते हैं। जहाँ पे कैनाइन एब्सेंट होगा वहाँ पे गैप पाया जाएगा, उस गैप को क्या बोलते हैं, डायस्टीमा बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। एग्जाम्पल इसका है लिपस, हेयर। हेयर मतलब खरहा, कितने लोग खरहा जानते नहीं, खरहा क्या होता है, खरगोश। ये देखो एरिक्टोलॉगस रैबिट, और ये लिपस हेयर, ये जूलॉजिकल नेम लिपस है, एरिक्टोलॉगस है। हेयर मतलब खरहा होता है, इसका मतलब खरगोश होता है। खरहा जो होता है फास्ट रनर होता है, खरहा क्या होता है, फास्ट रनर, बहुत तेज़ से दौड़ने वाला, और पालतू नहीं बनता, वो आपके खेतों वगैरह में पाया जाता है, ब्राउन कलर का हो सकता है, समझ रहे हैं ना, या उस डार्क कलर भी हो सकता है, लेकिन फास्ट रनर होगा। थोड़ा रैबिट थोड़ा बड़ा होगा, पीछे वाली पैर उसकी थोड़ी बड़ी होगी, कान थोड़ा बड़ा होगा। तो ये हेयर और रैबिट में अंतर है, रैबिट आपका पालतू होता है, बहुत फास्ट रनर नहीं हो सकता, दौड़ेगा मगर धीरे धीरे दौड़ सकता है। ये मैंने कहा लेगो मार्फा वो ऑर्डर होता है जिसमें कैनाइन एब्सेंट होता है, कैनाइन एब्सेंट होगा तो वहाँ पर जगह मिलती है गम में, उसी जगह को बोलते हैं डायस्टीमा। ये मैं लिखा हुआ हूँ DIASTEM, डायस्टीमा प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन पूछता है नेट में, तो ये आर्डर भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। हेयर रैबिट है, ठीक है। कायरोप्टेरा आर्डर थर्ड है, कायरोप्टेरा ये मैं लिखा हुआ हूँ, आर्डर थर्ड है कायरोप्टेरा, CHIROPTERA कायरोप्टेरा। फोर लिम मॉडिफाइड इनटू विंग और स्किन मॉडिफाइड हो जाता है पटेजिया में, स्किन मॉडिफाइड हो जाता है पटेजिया में। फोर लिम मॉडिफाइड इनटू विंग, स्किन मॉडिफाइड इनटू पटेजिया, पटेजिया समझ रहे हैं ना। तो पटेजिया जो होता है उसमें फोर लिम मॉडिफाइड हुआ किसमें, विंग में, है ना। और फोर लिम मॉडिफाइड विंग में और स्किन मॉडिफाइड हो गया पटेजिया में, ये उड़ने के लिए, फ्लाइंग करने के लिए। ये फ्रूजीओरस होते हैं, कौन होते हैं, फ्रूजीओरस होते हैं, फ्रूट ईटिंग। एग्जांपल आपका कौन होता है, बैट होता है। एग्जांपल कौन होता है, बैट, चमगादड़, समझ रहे हैं ना, जानते होंगे चमगादड़ होता है।
और इसके अलावा जो है चमगादड़ को डेस्मोडस कहते हैं, बहरहाल इतना नाम याद करने की उतने डेस्मोडस से कहते हैं। आर्डर इंसेक्टिओरा, इंसेक्टिओरा में इंसेक्ट ईटिंग मैमल आते हैं, इंसेक्ट ईटिंग मैमल, ये देखो इंसेक्टिओरा, इंसेक्ट ईटिंग मैमल्स आते हैं, आप इसको लिखते जाइएगा इंसेक्ट ईटिंग मैमल्स। इंसेक्ट ईटिंग मैमल्स का मतलब होता है इंसेक्ट को खाने वाले, किसको खाने वाले, इंसेक्ट को खाने वाले, ये इंसेक्टिओरा, इंसेक्ट ईटिंग मैमल्स। जैसे टालपा, टालपा मतलब होता है छछुन्नर, श्रियूज, श्रियूज छछुन्नर जानते हैं ना, टालपा इसको श्रियूज कहते हैं, छछुन्दर इसको बोलते हैं। ये देखिए टालपा का जूलॉजिकल नेम है एस एच आर ई डब्ल्यू श्रियूज, ये छछुन्नर होता है, ये इंसेक्ट खाती है और नॉक्टर्नल होती है, रात में निकलती हैं, ये छछुन्दर जो होती है रात को निकलती है, ये किस में आती है, इंसेक्टिओरा में, समझ रहे हैं ना। तो ये आर्डर भी पूछा जा सकता है आपसे, ये और ये, ठीक है। बाकी अब डर्मोप्टेरा, ये आर्डर डर्मोप्टेरा, इसमें ग्लाइडिंग मैमल्स आते हैं, जैसे फ्लाइंग लीमर्स, कौन आती है, फ्लाइंग लीमर, फिर समझिए डर्मोप्टेरा आर्डर है, इसमें ग्लाइडिंग मैमल्स आते हैं, इसमें जो स्किन होता है मॉडिफाइड हो जाता है ग्लाइड करने के लिए, ये स्किन बीच वाला फोर लिम्ब है, ये हाइंड लिम्ब है, इसके बीच में स्किन ऐसे पूरा फैल जाएगा, मॉडिफाइड हो जाएगा, क्या करने के लिए, ग्लाइड करने के लिए, तो इसमें फ्लाइंग लीमर्स आते हैं, ये है साइनोसिफेलस, समझ रहे हैं ना, साइनोसिफेलस। बहरहाल याद कर, ये फ्लाइंग लीमर है, इसको बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। एडेंटाटा विदाउट टीथ, अगला आर्डर है एडेंटाटा, आर्डर नंबर 6 एडेंटाटा विदाउट टीथ, इसमें जियान टेंटीटर आता है, समझ रहे हैं ना, मिर्मिकोफैगा इसको बोलते हैं, ये लिखा हुआ है मिर्मिकोफैगा पी एच ए जी ए, मिर्मिकोफैगा पी एच ए जी ए, फिर समझ लिए एडेंटाटा विदाउट टीथ, ये भी नहीं पूछा जाएगा, ये भी नहीं पूछा जाएगा, ये भी नहीं पूछा जा सकता, ये भी कम ही पूछा जा सकता है, लेकिन याद रखिएगा इसको, ठीक है, ये सब आर्डर पूछे नहीं जाते आपसे। तो ये हो गया एडेंटाटा विदाउट टीथ जियान टेंटीटर, लेकिन बता दे रहे हैं। फिर आर्डर नंबर 7 होता है कौन, फॉलीडोटा, फॉलीडोटा डी ओ टी ए, फॉलीडोटा, फॉलीडोटा क्या होता है, इसमें बॉडी कवर्ड बाय हॉर्नी स्केल, इसमें स्केली एंटीटर आता है पेंगोलिन, स्केली एंटीटर पेंगोलिन, इसी को मैनिस कहते हैं, क्या बोलते हैं, मैनिस कहते हैं। अगला है आर्डर नंबर 8 ट्यूबुलिडेंटाटा, इसमें टंग लॉन्ग प्रोट्यूजिबल और ट्यूब लाइक होता है, टंग लॉन्ग प्रोट्यूजिबल और टंग लॉन्ग होता है प्रोट्यूजिबल होता है, ठीक है ना, इसमें कैप एंटीटर आता है, कौन आता है, कैप एंटीटर। फिर से देखो एडेंटाटा विदाउट टीथ, फॉलीडाटा इसके ऊपर हार्ड कवरिंग होगी, और ट्यूबुलिडेंटाटा टंग जो है ट्यूब लाइक होगा, टंग कैसा होगा, ट्यूब लाइक होगा, एग्जाम्पल कैप एंटीटर, इसका एग्जाम्पल स्केली एंटीटर, इसका एग्जाम्पल जियान टेंटीटर, ये पूछे नहीं जाते हैं लेकिन फिर भी बताना तो है आपको, ठीक है। तो ये क्या आर्डर हो गए आपके, 8 आर्डर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 आर्डर हो गए। अब इसके बाद जो आर्डर आएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके, इसको आप लिख लीजिएगा, अभी हम इधर वाला इरेज कर दे रहे हैं, आर्डर नंबर नाइन कार्नीवोरा, इसमें क्या होते हैं, फ्लैश ईटिंग मैमल्स आते हैं, फ्लैश ईटिंग मैमल्स, फ्लैश ईटिंग मैमल्स आते हैं, सॉरी पहले उसको लिख लीजिए तब हम इसको बताएं यार, ये कार्नीवोरा है, पहले उसको लिख लीजिए वहाँ तक, यहाँ से पूरा ही लिख लीजिए,
दूसरा पॉइंट होता है इफ्लेसिटिंग मैमल्स होते हैं, इसमें क्या होता है कैनाइन लार्ज होता है, कैनाइन लार्ज होता है। कैनाइन लार्ज होगा। उसको लिखिए पहले तो समझाएं आपको, इसको लिख लीजिए पूरा पहले, यहाँ तक भी लिख लीजिए कायरोप्टेरा ई वाला, नहीं याद करना उसको जान दीजिए, लिखने भी मत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैनाइन लार्ज होता है और एग्जाम्पल इसका होता है पैंथेरा टिग्रिस, आप जानते हो टाइगर, पैंथेरा लियो, लियो इसको बोलते हैं, लायन, कानिस कुत्ता डॉग, फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस ये कौन है कैट, इटीसी हो गया ना, ये कार्निवोरा के सदस्य हैं। इसके अलावा सील भी आता है इसी में, सील ये भी इसी में आता है, सील इसी में आता है। तो ये आर्डर नंबर 9 हो गया, कौन आर्डर हो गया, आर्डर नंबर 9। इसको लिख लीजिए भाई, लिख लिए हो तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं लिखे हो तो अच्छी और अच्छी बात है, आप इसको लिख लीजिए ठीक है, क्योंकि कार्निवोरा आर्डर पूछा, अगली 17 या 18 में क्वेश्चन पूछा हुआ था पेरिसोडेक्टाइला या आर्टियोडेक्टाइला ये आर्डर था, जबकि आर्डर आपके एनसीईआरटी ने दिया थी, आर्डर आउट ऑफ एनसीईआरटी था, तो कुछ चीज़ें आपको हमको बतानी पड़ती हैं जो आउट ऑफ क्या होता है एनसीईआरटी। हमने आपको बता दिया पहले ही 95% क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से ही मिलते हैं, लेकिन 2-4% क्वेश्चन ऐसे होंगे, एक या दो क्वेश्चन क्या होंगे बाहर से आ सकते हैं, कभी कभी वो भी नहीं आते हैं, तो बाहर का जो क्वेश्चन वो मेंटेन करने के लिए इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, आप समझ रहे हैं ना। तो कार्निवोरा मैंने क्या पढ़ाया, कार्निवोरा, कार्निवोरा मतलब कार्निवोरस, मांसाहारी, क्या कार्निवोरस मांसाहारी, मीट खाने वाले, फ्लेश खाने वाले, समझ रहे, प्रीडेटरी इंडिविजुअल मोस्टली आते हैं, समझ रहे हैं ना, प्रीडेटरी आते हैं या मरे हुए को भी खा सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इसमें आपका कौन आ रहा है, एफ्लेसिटिंग मैमल्स होता है कैनाइन लार्ज होगा, पैंथेरा टिग्रिस होता है, पैंथेरा लियो होता है, कानिस फेमिली कानिस होता है डॉग, फेलिस जो होता है कैट होता है, सील ठीक है। और इसके बाद आता है नंबर आर्डर नंबर 10 का, आर्डर 10 कार्निवोरा हो गया, पेरिसो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, डेक्टाइला या ये आर्टोडेक्टाइला दोनों से, पेरिसोडेक्टाइला, पेरिसोडेक्टाइला, पेरिसोडेक्टाइला किसे कहते हैं,
ये पेरिसोडेक्टाइला देख लीजिए, पेरिसोडेक्टाइला ये क्या होता है? पेरिसोडेक्टाइला मतलब होता है वे इंडिविजुअल, ध्यान दीजिए, पेरिसोडेक्टाइला मतलब होता है वे इंडिविजुअल जिसमें इवेंट ऑड टोड हुफ्ड मैमल आते हैं। ऑड टोड हुफ्ड मैमल ये क्या होता है? ऑड टोड हुफ्ड मैमल क्या है? व्हाट इज दिस? घोड़ा देखे हो, गधा देखे हैं, खच्चर देखे हैं, उनमें देखेंगे तो पूरा ये खुर जो होगा, खुर मतलब नीचे वाला जो टकाक टकाक बोलता है, घोड़े को देखे ना, तो पूरा एक ही होता है, बीच से कटा नहीं होता। बीच से कटा होगा ऐसे गाय भैंस में देखेंगे तो खुर बीच से कटा होता है ना, वो इवेंट टोड हुफ्ट मैमल है, उसको आर्टियोडेक्टाइला में रखा गया। जैसे काऊ हुआ, समझ रहे हैं ना, बॉस समझ रहे हैं ना। तो पेरिसोडेक्टाइला मतलब होता है ऑड टोड हुफ्ट मैमल, गधा घोड़ा वाला, ऑड टोड हुफ्ड मैमल, ऑड टोड हुफ्ड मैमल्स। ऑड टोड हुफ्ड मैमल मतलब इसमें एक ही खुर हो, एक ही खुर पूरा मिला हुआ हो, एक खुर हो, इवन ऑड नहीं होता है तो एक तीन ऐसा होता है ना, ऑड होता है इसको, ऑड टोड हुफ्ट मैमल, क्योंकि उसमें सारी उंगलियां एक साथ फ्यूज हो जाती हैं और बना लेती है एक हुफ, घोड़े में, गधे में, खच्चर में, है ना। इसी को पेरिसोडेक्टाइला आता है, ऑड टोड हुफ्ट मैमल। एग्जाम्पल जैसे है इक्वस घोड़ा, एग्जाम्पल है हॉर्स, एच ओ आर एस ई हार्स, इसको बोलते हैं इक्वस, ई क्यू यू एस, ई क्यू डब्ल्यू एस, हार्स घोड़ा। पेरिसोडेक्टाइला ये इक्वस देख लीजिए, हॉर्स एच ओ आर एस ई हॉर्स, ये इक्वस ई क्यू डब्ल्यू एस, ई क्यू डबल यू एस, इसको ख्याल करिएगा इक्वस। अब ये बहुत ही ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है, ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये सब मत याद करिए, कोई टेंशन नहीं है। हो गया, आगे जो देखना है आपको 9-10 आर्डर नंबर 11 आर्टियोडेक्टाइला, आर्टियोडेक्टाइला, डेक्टाइला, इसको बोलते हैं इवेंट इवेंट टोड हुफ्ड हुफ्ड मैमल, मतलब जिसमें खुर बीच से कटा हुआ हो। गाय भैंस नहीं देखे हो, देख लीजिएगा, जाके पकड़ के देखिएगा उसका बीच में से खुर कटा है कि नहीं कटा है, दो भागों में डिवाइडेड होगा, इसी को बोलते हैं इवेंट टोड हुफ्ड मैमल, दो होगा खुर के बीच में से कट के दो होगा। एग्जाम्पल जैसे है काऊ, इसका जो लॉजिकल नेम बॉस है, बिग बॉस, काऊ का एग्जाम जूलॉजिकल नेम क्या है? बॉस, बॉस बुबालस, बॉस बुबालस। गोट इसमें आती है, गोट चापरा, ये बोटेनिकल नेम जूलॉजिकल नेम है चापरा,
हो गया ना। तो ये इवेंट टोड हूफ्ट मैमल पिग भी सिमाती है, PIG इसको बोलते हैं, सस पिग। डियर भी सिमाती है, हिरन। पिग मतलब सस, इसको जूलॉजिकल नेम सब है ये। तो मैंने क्या कहा, ये चापरा है, कैपिटल्स लिखेंगे हमेशा तो सी बड़ा होता थोड़ा। मैंने क्या कहा, आर्टियोडैक्टाइलक सदस्य होते हैं, आर्टियोडैक्टाइलक ऑर्डर में वो सदस्य आते हैं जिनका खुर बीच से कटा हुआ हो। खुर, खुर मतलब हुफ, हुफ 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 मतलब खुर होता है, बीच से कटा हुआ हो। गाय भैंस को देखेंगे आप तो उसका खुर बीच से कटा हुआ होगा, वो किस में आता है, आर्टियोडैक्टाइला में। इवन टोड हुफ्ड मैमल, काउ गोट पिग, बोलिए ना। अगला है ऑर्डर नंबर 12, आप लिखते रहिएगा। ऑर्डर 12 प्रोबोसीडिया, 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 प्रोबोसीडिया ऑर्डर ये देखिए ना प्यार से आप, देखो प्रोबोसीडिया, प्रोबोसीडिया में क्या आता है, ये नोज एंड अपर लिप। हाथी देखा है आपने, हाथी, हाथी देखे हैं, एलिफेंट, एलिफेंट को जानते हैं ना। इधर देखिए ना, ये अपर लिप एंड नोज मॉडिफाइड इनटू ट्रंक, सूंड में। क्वेश्चन पूछता है आपसे कि ट्रंक किसका मॉडिफिकेशन होता है, तो आप बताएंगे किसका, अपर लिप एंड नोज का मॉडिफिकेशन होता है। हाथी में जो सूंड होता है, सूंड ट्रंक, वो मॉडिफिकेशन होता है किसका, अपर लिप एंड नोज का। ठीक। दूसरा जो होता है, जो अपर इंसाइजर होता है वो कन्वर्ट टस्क में, अपर इंसाइजर मॉडिफाइड इनटू टस्क। बहुत प्यार समझिएगा, बातें समझ में आती थी नहीं है क्या, जो अपर इंसाइजर है वो कन्वर्ट टस्क में, जो बड़ा वाला दांत दिखाई देता है ऐसे निकला हुआ हाथी में। हाथी देखे हैं, नहीं देखे देख लीजिएगा हाथी को, तो वो टस्क कैसे बड़ा सा दांत निकला, दूठो वो टस्क है, अपर इंसाइजर दोनों, और नोज और अपर लिप मॉडिफाइंड क्या, अपर लिप एंड नोज मॉडिफाइंड टू ट्रंक। तो देख लीजिए, अपर लिप, अपर लिप एंड नोज मॉडिफाइड इनटू किसमें मॉडिफाइड हो जाएगा, मॉडिफाइड इनटू किसमें, इनटू ट्रंक। फिर कैनाइन, सॉरी अपर इंसाइजर, अपर इंसाइजर मॉडिफाइड इनटू इनटू किसमें मॉडिफाइड हो जाता है, मॉडिफाइड इनटू टस्क, TUSK। टस्क मतलब दांत होता है, ट्रंक मतलब सूंड। लो ये लिख लो हिंदी में, सूंड, और ये दांत बड़ा वाला, बड़ा वाला दांत, बोलिए ना। एग्जाम्पल इसका है एलिफेंट, आप तो जानते हो, जूलॉजिकल नेम इसका है एलिफास, एलिफास। तो आप देख रहे हैं क्या, प्रोबोसीडिया, प्रोबोसीडिया में प्रोबोसिस का बड़ा हो। तो मैंने क्या बताया, नोज अपर लिप मॉडिफाइड इनटू ट्रंक, अपर इंसाइजर मॉडिफाइड इनटू टस्क, एग्जांपल एलिफेंट, एलिफास। कोई दुख तकलीफ हो बताया आप, हो गया ये ऑर्डर, हो गया 12। इसको इरेज कर दे रहे हैं,
देखिए ऑर्डर 12 हो गया, ऑर्डर 13 13 हायरे क्वाइडिया हायरे, ये भी नहीं पूछा जाता लेकिन नाम तो लिखना ही है, हायरे क्वाइडिया। हायरे क्वाइडिया में हेयर लाइक एनिमल होता है, हेयर लाइक एनिमल होता है, अरे खरहा खरगोश की तरह छोटा सा एनिमल। 4 इक्वल साइज लिम्स होंगे, चारों पैर जो होंगे लगभग इक्वल साइज के होंगे। हायरेक्स एक ही स्पीसी जीनस बचा ही है, वो हायरेक्स उसी में आता है, समझ रहे हैं ना। हायरे क्वाइडिया में हेयर लाइक, हेयर मतलब बाल वाला ना समझ, इच्छे आ रही है ये एच्चे आ रही, हेयर मतलब खरा अक्तर है। हेयर लाइक इंडिविजुअल मैमल्स, हेयर लाइक मैमल्स 4 इक्वल साइज लिम्स, चारों पैर इसके इक्वल साइज के होंगे। एग्जांपल है आपका हायरेक्स, ये हायरेक्स जूलॉजिकल लिम्स का हायरेक्स ही है, ये हायरेक्स है, समझ रहे हैं ना। इसमें हायरेक्स आता है, पूछ रहा नहीं है लेकिन आपको जानना तो है। हो गया ऑर्डर नंबर, अब कौन सा है ऑर्डर नंबर 14, कौन है साइरेनिया, ऑर्डर नंबर ए साइरेनिया, यस आई आर साइरेनिया। इसमें आता है इसमें देखिए 4 लिम मॉडिफाइड इनटू फ्लिपर, 4 लिम मॉडिफाइड इनटू फ्लिपर हो गया। हर्बी ओरस होते हैं ये, हर्बी ओरस होते हैं। एग्जांपल है डुगोंग राइटिना, सीकाउस को होते हैं सीकाउ, तो सीकाउ इसी में आते हैं साइरेनिया में। बॉडी हेयर्स होते हैं, बॉडी हेयर्स बहुत रिड्यूस होते हैं ना, केवल नहीं है समझिए होते हैं। 4 लिम मॉडिफाइड टू फ्लिपर, ठहरने के लिए मॉडिफाइड टू फ्लिपर, फ्लिपर मतलब होता है तैरने के लिए। हर्बिवोरस होते हैं, से डुगोंग है राइटिना है सीकाउस, किसमें आते हैं ये साइरेनिया में, किसमें आते हैं साइरेनिया में। इसके बाद ऑर्डर नंबर 15, ऑर्डर 15 सीटेसिया, इसमें भी 4 लिम मॉडिफाइड इनटू किसमें 4 लिम मॉडिफाइड इनटू फ्लिपर, लार्जेस्ट मैमल्स आते हैं इसमें,
लार्जेस्ट मैमल्स, इसमें लार्जेस्ट मैमल्स आते हैं। बोलिए ना लार्जेस्ट मैमल। बॉडी हेयर्स रिड्यूस होंगे, इसमें भी रिड्यूस्ड होंगे। अगर होंगे भी तो जैसे जिस गलमुच्छा टाइप होता है ऐसा होता है। बॉडी हेयर्स रिड्यूस होंगे, एग्जांपल है ब्लू व्हेल, बैलेनोप्टेरा। रुक जाओ, नीचे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे नहीं होगा। बैलेनोप्टेरा, किलर व्हेल, ब्लू व्हेल, सब व्हेल असीमाती व्हेल कितनी वेराइटी। लार्जेस्ट लिविंग मैमल्स होता है ये। हाथी टेरेस्ट्रियल में है और पूरे में लेंगे, टेरेस्ट्रियल वाले में, एक्वेटिक में चाहे यहाँ भी लेंगे, तो सबसे बड़ा व्हेल होता है। 120 टन वजन होता है हाथी। एक बार 12 हाथी के बराबर इनका वजन होता है। अभी आपने ख्याल किया होगा जब वो थोड़ा पानी नहीं था, बढ़ा हुआ था, तो अभी एक साल या दो साल पहले तमिलनाडु के तट पे 35 टन की एक व्हेल का बच्चा आ गया था। किस पे? रेत पे आ गया था, रेत मतलब किनारे पे। वो पानी नहीं जा पाया, वो मर गया। उसको दो क्रेन से उठा रहे थे और वो जो है मर ही गया, क्योंकि वो अपने भार को ही नहीं सब। अगर कोई पूछे आपसे व्हेल को अगर ज़मीन पे रख दे तो क्या होगा, व्हेल मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? सांस लेने की वजह से नहीं, क्योंकि वो एरियल रेस्पिरेशन करते हैं, लंग के द्वारा ही सांस लेते हैं। बाहर आते हैं, ऊपर मुड़ी करके सांस लेते हैं, फिर जाके मस्ती करते हैं, कोई मतलब तैरते रहते हैं, कोई टेंशन उनको नहीं, लेकिन लंग से ही श्वसन करेंगे। ये वो अपने बॉडी वेट को ही नहीं सह पाएंगे, नहीं समझे? इतना बॉडी वेट उनका होता है, पानी में रहने के कारण उसको उत्प्लवन बल मिलता है ना, बोयांसी इसको बोलते हैं, बोयांसी उत्प्लवन बल मिलता है, इसकी वजह से उनका भार कम हो जाता है। लेकिन ज़मीन पे जब आएंगे तो पूरा फोर्स क्या हो जाता है, पूरा बॉडी का वेट उसकी हड्डी पे आता है और हड्डी उसकी भार को सह नहीं पाती, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। समझ रहे ना? इसलिए व्हेल ज़मीन पे नहीं रह सकता। तो एग्जांपल हो गया, ये क्या हो गया, ब्लू व्हेल और किलर व्हेल, ये सब इसी में आते हैं। क्या होगा? बॉडी हेयर रिड्यूस होगा, फोर लिम मॉडिफाइड टू फ्लिपर, तैरने के लिए होगा। इसके अलावा जो है लार्जेस्ट मैमल्स हैं ये, इससे बड़े मैमल्स कोई होते नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। लास्ट ऑर्डर है ऑर्डर नंबर 16, ये भी आपसे पूछता है। लास्ट ऑर्डर है ऑर्डर 16, वो कौन है? प्राइमेट आप हैं। कौन है आप? प्राइमेट, ऑर्डर प्राइमेट। इसको बोलते हैं फर्स्ट रैंक मैमल्स। क्या बोलते हैं? फर्स्ट रैंक मैमल, फर्स्ट रैंक मैमल्स आते हैं। इरेक्ट पॉस्चर हो सकता है या ऐसे पॉस्चर भी हो सकता है। इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स आते हैं। एग्जांपल आप जानते हो होमो, आप जानते हो सेपियंस मतलब मैन, सेपियंस और मैकाका, मैकाका ये मैन है और ये मंकी है। ये इंटेलिजेंट इंडिविजुअल, फर्स्ट रैंक मैमल्स। फर्स्ट रैंक मतलब सबसे इंटेलिजेंट मैमल्स जो होते हैं ये इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ये 16 ऑर्डर है। ये मैमल किसका? यूथेरिया का। ये 16 ऑर्डर है। 16 ऑर्डर ये भी पूछा जाता है। तो जो जो ऑर्डर पूछे जाते हैं मैंने आपको एग्जाम्पल में लगा दिया है। साइरेनी है, ये देखिए, ये ऑर्डर पूछ जा सकते हैं, लेकिन जो ऑर्डर नहीं पूछ जा सकते वो मैंने आपको बता दिया है। तो 10-12 ऑर्डर तब याद कर लीजिएगा, जैसे कार्नियोरा, लेगोमार्फा, रोडेंटिया। कार्नियोरा, लेगोमार्फा, रोडेंटिया, सिटेसिया, साइरेनिया, समझ रहे? प्राइमेट्स, प्रोबोसीडिया, प्रोबोसीडिया, इसके अलावा जो है कार्नियोरा, समझ रहे हैं ना, पेरिसोडोटाइला, आर्टोटाइला। ये 10-11 तो आपको याद ही होने चाहिए, इसमें से क्वेश्चन बहुत आता है। अभी देखो मैं 70 में देखिए, आपके क्वेश्चन 17-18 में है, क्वेश्चन देख लीजिएगा आया कि नहीं आया है, पेरिसोडोटाइला या आर्टोडोटाइला।
तो आप देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, समझ रहे ना। इसीलिए मैंने जितने क्लास पढ़ाए हैं, जैसे एम्फीबिया का मैंने क्लासिफिकेशन, रेप्टिलिया का मैंने क्लासिफिकेशन करा दिया, क्लासिफिकेशन आर्डर तक कराया है, वो आर्डर पूछे जा सकते हैं, जबकि आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन पूछे जा सकते हैं, अभी 18 में पूछा गया था। तो ऐसे इसी क्वेश्चन के लिए हम लोग एक दो क्वेश्चन जो बाहर से आते हैं उसके लिए इतना मेहनत करना पड़ता है आपको, बाकी एनसीईआरटी पढ़ के आप काम कर ले जाते हैं, सिलेक्शन पाना तो एनसीईआरटी आप पढ़ सकते केवल, लेकिन अगर आपको थोड़ा रैंक में जाना है तो आपको थोड़ा अलग से तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका मैमल तक का करेक्टर, जो भी मैंने पूरा पढ़ाया है आपको प्रोटोजोआ से लेके मैमेलिया तक, एनिमल किंगडम पूरा आपको मिलेगा, प्रोटोजोआ से लेके प्रोटिस्टा का भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है, पूरा एनिमल किंगडम आपको मिलेगा। और आप केवल कहाँ सर्च करेंगे, डी के शर्मा जूलॉजी आप लोग सर्च किया करिए, डी के शर्मा जूलॉजी सर्च करेंगे आपको पूरा प्रोटोजोआ से लेके कहाँ तक, प्रोटोजोआ से लेके मैमेलिया तक का क्लासिफिकेशन मिलेगा, बोलिए ना, मैमेलिया तक का क्लासिफिकेशन आपको मिलेगा, कोई टेंशन मत बताएं आप, ठीक है। अब कल मैं जनरल बातें कुछ बता दूंगा आपको इसी इसके विषय में, क्या क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना चाहिए, क्यों क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन आप जानते हैं नीट में 2 या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम, 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं क्लासिफिकेशन से, मतलब एनिमल किंगडम से केवल 2 या 3 क्वेश्चन। इस बार देखिए 2 क्वेश्चन आए थे, इसके पहले वाले में 2 या 3 क्वेश्चन, पहले बार 2 या 3 क्वेश्चन ज़्यादा आता ही नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो उसको ख्याल करिए, इतना पढ़ना है, आना है 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, 2 या मैक्सिमम 3, मेहनत बहुत करना है इसमें, एनिमल और बहुत बोरिंग टॉपिक है ये। इसके बाद जब पढ़ाएंगे आपको इंजाइम्स है, बायोमालिक्यूल्स वगैरह हैं, तो वो सब काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, फिजियोलॉजी है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वगैरह है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इसको देख लें, कल इसको विषय में थोड़ा सा जनरल बातें बता दें कैसे कैसे आपको याद करना है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें मिलेंगे फिर कल, बाय।